हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। आज मैं आया हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में और यहाँ पर आज मैं आपको दिखलाने वाला हूँ शाही सुनहरी मस्जिद, जिसका इतिहास बेहद ही रोमांचक इतिहास इसका जुड़ा हुआ है। जी हाँ, चांदनी चौक और इस मस्जिद का इतिहास जुड़ा हुआ है ईरान के शासक नादिर शाह के साथ में। तो क्या इसका इतिहास है, ये पूरी डिटेल्स में इस व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये व्लॉग। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये ब्लॉग। की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर रेड फोर्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे शीशगंज साहिब गुरुद्वारा और इसके जस्ट साइड में ही बनी हुई है ये मस्जिद, जिसको कहा जाता है शाही सुनहरी मस्जिद। और अभी हम चलने वाले हैं इसके अंदर और अंदर चलकर मैं इसका पूरा इतिहास आपको बतलाने वाला हूं। तो यहां से हम देखेंगे साइड से, यहां से जीना दिया हुआ है ऊपर जाने के लिए और यहां से हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। तो भाई ये आप देख सकते हैं यहां से ये मस्जिद। इस ऐतिहासिक मस्जिद के अगर इतिहास की बात की जाए तो इसको 1721 और 1722 के बीच मोहम्मद शाह रंगीला, अब रंगीला उनके नाम से क्यों जुड़ा हुआ है, शायद वो रंगीन मिजाज रहे होंगे या क्या है ये नहीं कहा जा सकता। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो 13वें बादशाह थे मुगल परिवार के, उनके शासनकाल के दौरान उन्हें उनके दरबार में एक अमीर हुआ करते थे रोशनुद्दौला, तो उन्होंने इस मस्जिद को तामीर करवाया था। ये आप देख सकते हैं इधर की तरफ वजू खाना है और यहाँ पर है ये मस्जिद। हालांकि मस्जिद में जो है मेंटेनेंस का यहाँ पर काम चल रहा है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मेंटेनेंस का यहाँ पर काम चल रहा है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और यहाँ से अब खुतबा होता है जुम्मे के दिन। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर इमाम साहब की रिहाइश है, तो यहाँ से इमाम साहब आते हैं नमाज अदा कराने के लिए। और ये आप देखेंगे काफ़ी पुरानी ये मस्जिद है और ये इसकी ये ऐतिहासिक गुंबदें हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ मस्जिद की जो कमेटी है उसमें आप जो देख रेख करते हैं यहाँ पे मस्जिद में जो यहाँ पे देख रेख का काम करते हैं बॉबी भाई हैं। तो बॉबी भाई हमें यहाँ पर दिखला रहे हैं एक गुफा है जो यहाँ से सीधे लाल किले को कनेक्ट किया करते थे। तो इसके अंदर गुफा है, इसके अंदर अच्छा अभी इसको खोल के देख सकते हैं इस गेट को। ये गेट खुलता ही नहीं, गेट गेट भी नहीं खुलता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लॉक लगा हुआ है और जैसा कि भाई ने बताया कि यहाँ पर ये गुफा थी और यहाँ से भी लोग आया करते थे। हम यहाँ से बाहर और मैं आपको वो जगह आपको दिखलाने वाला हूँ जो जगह जुड़ी हुई है नादिर शाह के साथ में, जहाँ से नादिर शाह ने कत्लेआम का आदेश दिया था। यहाँ से चल रहे हैं ऊपर की तरफ और ऊपर जो है मैं इस मस्जिद की गुंबदें आपको यहाँ दिखलाने वाला हूँ। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये उस टाइम पर जो है गोल्ड की हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि शायद अष्ट धातु है। जी भाई, तो ये सब तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से उसने खड़े होकर ये आदेश दिया था, तो जो उसने यहाँ पर कत्लेआम करवाया था। नादिर शाह की अगर बात की जाए तो नादिर शाह ईरान का एक शासक था। ईरान जो कि उस टाइम एक साइड से ओटोमन एम्पायर और दूसरी साइड से रशिया के साथ जो उसकी लड़ाई चल रही थी, तो उस दौरान ईरान की जो आर्थिक स्थिति वो काफी खराब चल रही थी। तो पूरी दुनिया में उस टाइम पर जो एक चमकता हुआ सितारा था वो था अपना एक हिंदुस्तान। तो उस दौरान बाहर के जितने भी आक्रमणकारी थे उन सबकी नजर हिंदुस्तान पर टिकी हुई थी, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी
तो औरंगजेब की डेथ के बाद यानी कि जितने भी और बादशाह आए यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला, तो एक तरह से उसको हम मुगलों का जो है डाउनफॉल उस टाइम बोल सकते थे, क्योंकि औरंगजेब के बाद में जितने भी मुगल्स थे बस सिर्फ नाम के ही वो सिर्फ मुगल्स रह गए थे, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग एक अलग ही राह पर मुड़ चुके थे। उसी चीज का फायदा उठाया बाहरी आक्रमणकारियों ने जब 1738-39 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। दिल्ली पर हमला करने के बाद में जब वो लाल किले में पहुंच गया तो यहाँ पर दिल्ली के चांदनी चौक में उसकी सेना यहाँ पर घूमने लगी, तो लगभग 40,000 सैनिक यहाँ पर दिल्ली के चांदनी चौक में घूम रहे थे, और इस दौरान यहाँ पर रेट काफी ज्यादा, चीजों के जो भाव है वो काफी ज्यादा होने लगे, तो व्यापारी वर्ग भी परेशान और आम लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो गए। तो इसी बीच खबर आई, किसी ने अफवाह उड़ाई कि लाल किले के अंदर नादिर शाह को किसी ने कत्ल कर दिया है। नादिर शाह के कत्ल की खबर सुनकर यहाँ पर जो उनके सैनिक घूम रहे थे उस पर यहाँ की जो आवाम थी, जो यहाँ के लोग थे चांदनी चौक पे, उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया, उन लोगों पर हमला कर दिया, तो लगभग 700 से 800 सिपाही जो नादिर शाह के साथ आए थे उनको यहाँ पर मार दिया गया। इसकी सूचना जब नादिर शाह को लगी तो नादिर शाह यहाँ चांदनी चौक में आए, और चांदनी चौक में उनको एक जरूरत थी एक जगह की जहाँ से वो खड़े होकर पूरा मुआयना कर सके, तो यहाँ पर वो इस मस्जिद में आए और यहाँ से खड़े होकर उन्होंने मुआयना किया। जब उन्होंने चांदनी चौक का मुआयना किया तो यहाँ पर लाशों के ढेर उसको देखने के लिए मिले, तो उसने अपनी तलवार निकाल कर यहाँ से इस जगह से जो है कत्लेआम का आदेश दे दिया। तो उसके इस कत्लेआम के आदेश के बाद लगभग ऐसा कहा जाता है कि 8,000 से 9,000 लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो फिर जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने उनसे काफी रिक्वेस्ट की कि रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट भी किया और उसको रोक दिया, लेकिन तब तक 8,000 से 9,000 लोग मारे जा चुके थे। उसके बाद यहाँ पर नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 महीने के आसपास यहाँ पर रहा, और उन 2 महीनों में उसने यहाँ पर काफी सारी लूटपाट की। उसकी लूटपाट का अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए वो यहाँ से हिंदुस्तान से लूट कर ले गया था। तो लगभग वो उस समय का इतना पैसा था कि उसने ईरान वापस जाने के बाद में 3 साल का लगान वहां की जनता का माफ कर दिया था। तो ये था गाइस इस मस्जिद से जुड़ा हुआ एक जबरदस्त इतिहास जो कि आज मैंने आपको इस व्लॉग में बतलाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।